कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि पेंटिंग अच्छे से सीख रहे होंगे। मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल श्वेता शिल्प कला केंद्र। अभी तक मैंने आप लोगों को फ्लावर्स और ट्रीज सिखाया है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, बर्ड्स। आज मैं आप लोगों को बर्ड्स गौरैया बनाने की कोशिश करूँगी, आपको सिखाने की। उम्मीद है आप को पसंद आएगा। इसके लिए मैंने बेसिकली ऑफ वाइट, ब्राउन, ब्लैक, वाइट कलर प्रयोग किया है और एक नंबर और पांच नंबर गोल ब्रश का ही मैंने प्रयोग किया है और बहुत सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है, जिसमें आप लोग आसानी से बना सकें, बिगनर्स हमारे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्किन कलर लेकर के जो ये डिज़ाइन बना हुआ है इस पर बनाएंगे। इस तरह से जैसे जैसे डिज़ाइन बना हुआ है हम इसको बना लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा वाइट मिला के हमें ये बनाना, लाइट कलर बनाना। थोड़ा सा वाइट डालेंगे। ये भी एकदम वाइट नहीं है, हल्का सा क्रीमिश है। अब हमारा इतना बन गया। अब हम इसको वाइट में थोड़ा सा ब्राउन मिला के लाइट कलर बनाएंगे और इस तरह से स्ट्रोक्स देंगे। लाइट टू डार्क आएंगे हम स्ट्रोक करने के लिए। हल्का हल्का स्ट्रोक्स देंगे, कलर बहुत कम लगाएंगे। किनारे किनारे हल्का सा शेडिंग टाइप से डालेंगे ऐसे। फिर डार्क ब्राउन लेकर के थोड़ा सा उससे डार्क ब्राउन लेके हम ये डिज़ाइन बनाएंगे जो बना हुआ है और आउटलाइन करेंगे। और स्ट्रोक्स डालेंगे
हल्का हल्का ब्रश का इसका फेदर्स बनाने के लिए। अब उसके बाद हम उससे ज़्यादा डार्क पे आएंगे। और फिर हल्का सा स्ट्रोक देंगे लाइट से। डार्क आ रहे हैं हम, इस तरह से फेदर बन रहे हैं, देखें। जैसे जैसे ये स्ट्रोक्स बनते जाएंगे आपके बर्ड्स की ब्यूटी बढ़ती जाएगी। ये देखिए ब्लैक कलर से मैंने आँख बना दिया। थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी इसी तरह से, थोड़ा सा ब्राउन में हल्का सा ब्लैक मिलाकर इसी तरह से हाईलाइट कर दूँगी मैं। सबसे पहले हम वाइट कलर में ज़रा सा ये जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको मैं लाइट कलर कर लूँगी। वाइट में थोड़ा सा ब्लैक मिला के फिर थोड़ा सा वाइट में ब्लैक शेडिंग देने के लिए मैं कर दिया। इसको करने के बाद फिर वाइट कलर से मैं करूँगी तो ये शेडिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए मिक्स करके जब मैं इसके ऊपर मिक्स करूँगी तो ये लुक बहुत प्यारा आएगा। ये देखिए शेडिंग आ रही है। अब मेरा बेस तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर फेदर बनाऊंगी, देखें कैसे बनता है। ये देखिए थोड़ा सा वाइट में ब्लैक मिला के थोड़ा गाढ़ा करके का फेदर्स का धीरे धीरे लाइट टू डार्क चलेंगे तो इसका फेदर अच्छा बनेगा। अब हम थोड़ा सा डार्क लेंगे और
देखिए कैसे कर रहे हैं ये। ये देखिए इस तरह से इसके फेदर्स बनेंगे। फिर उसके बाद प्योर वाइट कलर लेकर के इसको हाईलाइट करूंगी मैं। अभी थोड़ा सूख जाएगा तो और हाई होगा, अभी उसी में मिक्स हो जा रहा है। और ये मैं थोड़ा सा वाइट करूंगी, शेडिंग दूंगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग टच दूंगी। अब मेरे बर्ड्स बन गए दोनों। अब मैं डाल पे आ रही हूँ। मैं डाल को यदि ब्राउन करूंगी तो ये चिड़िया से मैच खा जाएगा। मुझे अलग हटके करना है इसलिए मैं ग्रीन यूज कर रही हूँ। अब देखें, ये देखिए मैंने ग्रीन कलर का लिप्स बना के हाईलाइट किया। मैंने थोड़ा सा येलो कलर दिया है हाईलाइटिंग के लिए, और लास्ट में वाइट से हाईलाइट किया इसमें। आप तो कैसा लगा ये बर्ड्स आप हमें ज़रूर बताएं, और इसको बनाने का प्रयास करें। और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। ओके बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।